नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन और मैं हूँ वसीम खान। पटना यूनिवर्सिटी में सरस्वती पूजा जोरों शोरों से मनाई जा रही है। वहाँ दूसरे तरफ जितने भी बिहार के नेता हैं उनका तांता लगा हुआ है। सभी पटना यूनिवर्सिटी में माँ सरस्वती के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। अशोक चौधरी, पूर्व शिक्षा मंत्री, भी पटना यूनिवर्सिटी माँ सरस्वती का दर्शन करने पहुँचे और उसके बाद पत्रकारों से क्या बात की, पहले आप वो सुन। अपने आदर्श संस्कारों का अनुपालन करें, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें। 21वीं सदी का बिहार जो नीतीश कुमार ने सपना देखा है उसको सशक्त और मजबूत बनाएं, यही है। लोग जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारा बिहार विकसित करेगा। इस पवित्र अवसर पर आप लोगों के बीच में आ करके, आप तमाम लोग जानते होंगे कि आज का पटना विश्वविद्यालय कभी का पटना कॉलेज हुआ करता था और पटना कॉलेज का जैक्सन छात्रावास, जहां से लगातार 30-40 वर्षों तक एक साथ 20-25-30 IAS करते थे, जैक्सन का ऐसा रिकॉर्ड रहा था। हम इस अवसर पर चाहेंगे कि जैक्सन छात्रावास अपने पुनः पुरानी ऊंचाइयों को प्राप्त करें, उस रास्ते पर चले और यहां के छात्र पढ़ाई मार। तो आपने सुना, अशोक चौधरी ने युवाओं और छात्र छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम यही चाहते हैं और नीतीश कुमार का भी यही सोच है कि हमारे बिहार के जो युवा हैं उनका भविष्य उज्ज्वल हो और उसके लिए नीतीश सरकार हमेशा तात्पर्य भी है। बहरहाल, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आप सबसे पहले रूबरू हो सकें। धन्यवाद।